नमस्कार, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव अड्डा में एक बार फिर से। और आज एक और खास हस्ती से बातचीत करेंगे। मर्सिडीज ने अपनी नई EQS 580 इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च कर दी है इंडिया में। तो बात करेंगे मिस्टर संतोष अय्यर से, जो कि हैं MD एंड CEO मर्सिडीज बेंज इंडिया के। थैंक यू संतोष फॉर ज्वाइनिंग अस एट टाइम्स ड्राइव। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सो संतोष, एक क्वार्टर में तीसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल हम देख रहे हैं मर्सिडीज की तरफ से। सो इफ यू कैन एक्सप्लेन things about the features and the kind of technology that this car is offering, kya kya isme offer kar rahi hai Mercedes? So to start with, this is an electric car, right? So range is very important. Logon ko hai ki kitna kilometer jayega, because that's the first question on electric car. Humne iske andar sabse badi battery pack in India, we have put in 122 kilowatts, which gives a range of 809 kilometers as per ARAI. But agar main normal driving conditions ki bhi baat karu, to 650 kilometer ki range should be possible with this car. So that is one thing taken care of. Of course, gaadi, it's a 7-seater. I would more say it's a 5-seater. The third row seat is more for children or house help or for pets when people carry. So it's a full-blown luxury large-scale SUV. All the technical feature in technology in terms of hyperscreen, AI-assisted features and the work. So I won't go into that detail, including the rear-wheel steering, for example, to make the car turning radius low. Mm-hmm. But I think the biggest thing is also peace of mind. You know, aaj electrification mein customer mangte hai battery ka life kya hoga. Mm-hmm. So we are giving a 10-year battery warranty on the car. They don't need to worry. Residual value, kya hoga 3 saal baad? I am giving a 60% guarantee on the price of the car at the end of 3 years. So I think a lot of things we are doing apart from the product. And the biggest change we have done is we have localized this car. Because of that, the price point at 1.41 crores, I think it's a great price for a car of this size, full-size luxury EV. And that actually should also help in driving adoption. तो मेड इन इंडिया व्हीकल है ये। सो वहाँ पर किस तरह से काम चल रहा है एंड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस यहाँ पे करा जाए? जो भी अभी हाल ही में मायबैक आती है, हालांकि वो CBU बट इसको यहाँ पे असेंबल करा जा रहा है, इंडिया में मैन्युफैक्चर कर जा रही है, तो किस तरह की प्लानिंग वहाँ चल रही है, किस तरह को उस रोड मैप को आगे ले जाया जा रहा है मेड इन इंडिया को? देखो, हम तो इंडिया में बिलीव कर रहे हैं। 30 साल से हम इंडिया में हैं, 15 साल से हमारी जो प्लांट है चाकन पुणे में हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दिस इज़ द 11th लोकली प्रोड्यूस कार इन इंडिया। तो 10 गाड़ियाँ हम बना ही रहे, ये 11th कार है दैट वी आर प्रोड्यूसिंग इन पुणे। सो हम कंटिन्यूसली देखते हैं कस्टमर को क्या चाहिए, वॉट आर द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज इसको मेक इन इंडिया कर सकते हैं क्या, हमारे पास सप्लायर इकोसिस्टम है जो इसे हम लोकलाइज कर पाएंगे। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसी मेक इन इंडिया इज़ नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग पार्ट्स फॉर कार्स सोल्ड इन इंडिया। हमारे पास एक फुल फ्लेज्ड टीम है जो यहाँ से सोर्स करती है पार्ट्स फॉर द वर्ल्ड, एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल सोर्सिंग, बिकॉज आज सप्लाई चेन ग्लोबल है। सो कैन इंडिया प्ले बिगर रोल इन एक्चुअली ग्लोबल सप्लाई चेन? इसके अलावा हमारी जो कंपनी है R&D कंपनी जो सब्सिडरी है इन बैंगलोर, 10,000 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, काफ़ी सॉफ्टवेयर में काम हो रही है, काफ़ी पेटेंट्स निकल रहे हैं बैंगलोर से। तो हम एज मर्सिडीज बेंज इन इंडिया, अगर मैं देखूँ R&D इन बैंगलोर, हमारा जो कार प्रोडक्शन फैसिलिटी प्लस हमारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज आम, वो भी आज 10,000 करोड़ के आसपास पोर्टफोलियो मैनेज कर रही है। आई थिंक वी हैव ए बिग प्रेजेंस इंडिया में, हम फुली कमिटेड है टू मेक इन इंडिया फॉर इंडिया। सो उसके अलावा अगर बात करें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर अभी फिलहाल ट्रेंड चल रहा है ग्लोबली, एक दूसरा ट्रेंड भी हम देख रहे हैं कि कुछ पॉलिसी चेंज होने की वजह से इंडिया में भी अभी गवर्नमेंट का सपोर्ट चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि ये सपोर्ट कितने समय तक और रहना चाहिए, और कितने समय तक रहेगा तो जो इलेक्ट्रिक वाला पुश वाकई में गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है और कुछ ब्रांड्स भी उसको पुश कर रहे हैं, तो वो किस हद तक आपको लगता है टाइमलाइन चलने वाली है और क्या उसका प्रोग्रेस रहने वाला है? सो देखो, ऐसा है कि EV में पहली बात तो क्यों पुश का ज़रूरत है, बिकॉज EV एक एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी आज स्केल भी नहीं पकड़ चुकी है, बिकॉज आज रेशियो ऑफ सेल्स काफ़ी कम है। सो कम्बशन इंजन चीपर टेक्नोलॉजी है, एंड उसमें जो गाड़ी की प्राइस, अब कस्टमर कोई प्रीमियम देने को तैयार नहीं है इंडिया में एंड वर्ल्ड वाइड फॉर एन EV कम्पेयर टू कम्बशन इंजन। सो गवर्नमेंट सपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिज द गैप, जो कम्बशन इंजन की प्राइस एज वेल एज EV की प्राइस। अब जैसे ही गवर्नमेंट सब्सिडी विड्रॉ करती है, जैसे मैं US की बात करूँ, यूरोप की, कस्टमर डिमांड फॉलो हो जाता है, तो आप देखते हो सेल्स फॉलो हो रहा है, फिर बोलते हैं अच्छा EV अडॉप्शन स्लो हो रही है। बट द रियल फैक्ट इज़ अगर वो सब्सिडी कंटिन्यू करे देन कस्टमर्स आर हैप्पी बिकॉज द कार्स आर ग्रेट। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में भी टैक्स डिफरेंशियल है आज, कम्बशन इंजन में 48% है, EV में 5% है, और इसके वजह से हम ये प्राइस पॉइंट में गाड़ी ला पा रहे। एंड आई थिंक ये टिल द टाइम ऑटो इंडस्ट्री 30-40% EV नहीं होती है, तब तक ये गवर्नमेंट को इसे कंटिन्यू करना चाहिए। एंड क्यों? बिकॉज डिकार्बोनाइजेशन। आज 14 से
14 आउट ऑफ 20 सिटीज मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड आर फ्रॉम इंडिया. यू नो जो एयर क्वालिटी हम देख रहे हैं. सो एंड ऑटो इंडस्ट्री इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. सो अगर हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, मैं तो लोगों को बोलता हूँ एज मर्सिडीज बेंज हमारे पास गैसोलीन है, क्लीन डीजल है, हाइब्रिड है एंड ईवीज है. सो बट हम क्यों आज ईवी में इतना जोर दे रहे हैं, ताकि ऐसे कॉर्पोरेट सिटीजन अगर हम एक बेटर प्लानट नहीं दे, वी से देर इज नो लग्जरी विदाउट सस्टेनेबिलिटी, देन ऑल्सो वी आर नॉट डूइंग आर जॉब. सो वी विल कीप इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स. हम वेट करेंगे कंज्यूमर डिमांड टू एक्सेप्ट सच ब्यूटीफुल कार्स. ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट इज फुली कमिटेड. भारत इंडियन गवर्नमेंट इज क्लियरली सेट दैट हमें डिकार्बोनाइज करना है और हम ये पाथ में चलेंगे इन द लॉन्ग रन. बट इलेक्ट्रिक को लेके कुछ और अल्टरनेट ऑप्शन भी हम आने को देख सकते हैं आने वाले समय में, अगर पॉलिसी में कुछ चेंजेस होते हैं या कुछ जो एक्सपेक्ट इंडस्ट्री कर रही है, आई मीन ब्रांड्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कुछ शिफ्ट. ये एक बड़ा मिसनॉर्मा है कि और क्या होगा. अभी ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है एंड अदर्स, बट दैट इज ट्रू. बट आज कोई कमर्शियली वायबल टेक्नोलॉजी और प्रपोजल नहीं है एक्सेप्ट ईवी. तो अगला और 20 साल 25 साल इमेजिन इंडिया में हमने और 20 करोड़ गाड़ियां भेज दी विद कंबशन इंजन, काइंड ऑफ एमिशन प्रॉब्लम दैट वी विल हैव. सो एज ऑफ टुडे फॉर ए जीरो एमिशन कार देर इज नो अदर टेक्नोलॉजी. फ्यूल एफिशिएंसी की टेक्नोलॉजी है. हम भी हाइब्रिड बनाते हैं, उसे 20% आपका तेल बचेगा. यू नो यू कैन एक्चुअली हैव ए बेटर फ्यूल एफिशिएंसी एंड लेसर पोल्यूशन एज वेल. बट जीरो एमिशन की अगर बात करें तो देर इज नथिंग अपार्ट फ्रॉम एन ईवी. सो आई थिंक ऑफकोर्स फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है. हमने गाड़ी इन्वेंट की, हम री इन्वेंट भी कर रहे हैं, कोशिश चालू है, बट फॉर द नेक्स्ट फोरसीएबल फ्यूचर वी डोंट सी अ अल्टरनेट टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट ईवी फॉर द ट्रांजिशन. थैंक यू संतोष. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू.